नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। स्वतंत्र भारत की 75वीं वर्षगांठ, आजादी का अमृत महोत्सव पर केंद्रीय सीमांत भारत तिब्बत सीमा सुरक्षा बल ITBP के 25 जवानों द्वारा जब युवाओं को जागरूक करने को लेकर भोपाल से शुरू की गई साइकिल रैली आज भोपाल से होती हुई गुरुवार 23 सितंबर 2021 को नजीराबाद पहुंची। उससे पूर्व परसोरा में वृक्षारोपण भी टीम द्वारा किया गया, जहां संघ के स्वयंसेवक नेपाल भारती सहित अनेकों कार्यकर्ताओं द्वारा इनका जोरदार स्वागत हुआ। तत्पश्चात नजीराबाद में जागरूक रैली का ग्रामवासियों द्वारा आतिशबाजी में ढोल धमाकों के साथ फूलमालाएं पहनाकर तिलक लगाकर भव्य स्वागत किया गया। इस साइकिल रैली का मुख्य उद्देश्य कोरोना काल में तीसरी लहर को लेकर युवाओं को जागरूक करने और पर्यावरण को संतुलित करने के लिए वृक्षारोपण का जागरूक किया गया। ये रैली विभिन्न शहरों और गाँव के युवाओं को जागरूक करते हुए दिल्ली के राजघाट पहुँचेगी। संवाददाता ब्रजेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट। महोत्सव के उपलक्ष्य में जितनी भी जो CAPF सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, तो वो अलग अलग जगह से उन्होंने अपनी रैली निकाली है। जैसे कन्याकुमारी से भी है, सिलचर से भी है, गुवाहाटी से भी है, लद्दाख से भी है, श्रीनगर से भी है, और ये सब लोग अपने अपनी जगह से निकल कर ये सब लोग 2 तारीख को राजघाट में गांधी जी के इसमें जन्मतिथि में उपस्थित होंगे वहाँ पर। ये है अब इस रैली के माध्यम से, तो हम लोग क्या जैसे आते समय हम लोग 2 स्कूल में आए, तो हम लोगों को मिल रहे हैं, हम लोगों के साथ वार्तालाप कर रहे हैं, लोगों को जो सरकार की स्कीम्स उसके बारे में बात करते हैं। अभी आप बच्चे लोग सब लोग जानते हो कि अभी गवर्नमेंट का देखिए यही सरकार ऐसी है, पहली सरकार में जो देखा है जिसने आकर जो स्वच्छता की तरफ इतना ध्यान दिया है। स्वच्छ भारत अभियान जो शुरू किया हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने, आज तक किसी ने इस बारे में चर्चा नहीं की। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि आज आप जाके देखिए, स्पेशली हम टॉपिक ऊपर छत्तीसगढ़ जहाँ पर एक समय ऐसा था कि जो साउथ ईस्टर्न रेलवे में मैं चलता था कभी, तो वहाँ पर एक जगह नहीं मिलती थी कि आप खड़े हो जाओ, लोग थूक कर रखते थे। आज वो प्लेटफॉर्म